आज हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 52 वीक हाई हिट किया। यस बैंक अपने 52 वीक लो लेवल पे क्लोज हुआ। आपने ऐसे हेडलाइंस न्यूज़पेपर्स में और बिजनेस चैनल्स में जरूर पढ़े होंगे। तो क्या होता है 52 वीक हाई एंड लो लेवल और इसका सिग्निफिकेंस क्या है स्टॉक मार्केट में, आज का एपिसोड इसी बारे में है। आई एम अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जब कोई स्टॉक 52 वीक हाई हिट करता है तो वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है इन लास्ट 52 वीक्स। 52 वीक्स का मतलब हुआ एक साल, वन ईयर। और इसी तरह जब कोई स्टॉक 52 वीक लो हिट करता है तो वो अपने लोवेस्ट पॉइंट में होता है इन लास्ट वन ईयर। पर ये तो हो गई डेफिनेशन, मगर हम इसको ट्रैक क्यों करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। 52 वीक हाई एंड लो लेवल्स आर टेक्निकल इंडिकेटर्स जिनसे हम स्टॉक मार्केट मोमेंटम समझते हैं। So 52 week high hitting stocks can go even higher in next trading sessions and 52 week low hitting stocks can go even lower in next trading sessions. तो क्या आपको 52 week high hitting stocks में invest करना चाहिए और low hitting stocks से दूर रहना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। There are two ways through which you can make use of 52 week high and low levels in your favor. पहला है momentum play और दूसरा है contra play. बात करते हैं मोमेंटम प्ले की। जब कोई स्टॉक कंसिस्टेंटली 52 वीक हाई हिट करता जाता है तो इसका मतलब है कि इस स्टॉक में बायर्स ज्यादा है। सो यू कैन राइड द मोमेंटम। आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। मगर आपको इस स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस भी चेक करना चाहिए और अगर क्लोजिंग भी आप 52 वीक हाई लेवल पे हुई है तो मोमेंटम और भी ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर क्लोजिंग 52 वीक हाई लेवल से कुछ कम लेवल पे हुई है, इसका मतलब है कि मोमेंटम कुछ कमजोर है। सो क्लोजिंग प्राइस जरूर चेक करें। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा प्ले की। 52 वीक लो हिटिंग स्टॉक्स खराब हों ऐसा जरूरी नहीं है। अगर किसी स्टॉक के फंडामेंटल स्ट्रांग है और इवन दो इट्स हिटिंग इट्स 52 वीक लो, आप फिर भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन टेक अ कॉन्ट्रा कॉल। कॉन्ट्रा कॉल मीन्स गोइंग अगेंस्ट द मार्केट मोमेंटम। मगर कॉन्ट्रा कॉल लेने के लिए आपका लॉन्ग टर्म आउटलुक होना जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में 52 वीक लो हिटिंग स्टॉक्स विल कीप गोइंग लोअर। तो आप लोअर लेवल पे इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हो फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है सो यू कैन स्टिल इन्वेस्ट इन 52 वीक लो हिटिंग स्टॉक्स। सो 52 वीक हाई एंड लो लेवल्स help you be a short-term stock market trader or a long-term value investor. I hope आपको आज का शो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है then like this video and subscribe to our YouTube channel. If you want us to create a video on some specific topic then do let us know in the comment section below. I'll see you in the next episode. Sayonara! Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.